जय हिंद सर। तुम्हारा एक पुराना दोस्त मोटिवेशनल सेमिनार में मस्कर जा रहा है, जाओ तुम लोग। मैं तो एक गद्दार हूं। अपने अरमानों से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप सभी को शाहरुख खान की डॉन मूवी तो याद होगी ही। इसके दोनों पार्टों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी और काफी लंबे समय से इसके थर्ड पार्ट की भी खबरें आने लगी हैं। और अब जाकर इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन इसी बीच फिल्म की कास्टिंग में काफी बड़ा फेर बदलाव हो गया है। फरहान अख्तर इस फिल्म की कास्टिंग को बिल्कुल ही चेंज करना चाहते हैं और नए एक्टरों को फिल्म में चांस देना चाहते हैं। इसी से जुड़ी हुई काफी बड़ी न्यूज सामने आ रही है कि फिल्म में हमें लीड हीरो शाहरुख खान नहीं देखने को मिलने वाले हैं। अभी कुछ ही देर पहले मेकर्स की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आई है कि शाहरुख खान ने डॉन 3 से एग्जिट ले लिया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि शाहरुख खान ने डॉन 3 से एग्जिट क्यों लिया। शाहरुख खान की फिल्म से एग्जिट करते ही डॉन 3 को लेकर बड़े बड़े स्टार्स के नाम सामने आने लगे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, इस फिल्म को फरहान अख्तर ही डायरेक्ट करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि डॉन 3 मूवी के साथ डॉन की नई फ्रेंचाइजी शुरू की जाए जिसमें सब कुछ चेंज कर दिया जाए। इसलिए फरहान अख्तर इस फिल्म में सभी जवान एक्टर्स को लेने वाले हैं। डॉन 3 फिल्म के हीरो के लिए सबसे ऊपर फिलहाल ऋतिक रोशन का नाम चल रहा है और इनके बाद रणवीर सिंह का नाम। अब देखना यह होगा कि फिल्म में हमें इन दोनों में से कौन देखने को मिलता है, पर ऑडियंस का कहना है कि फिल्म रणवीर सिंह डॉन का किरदार उस तरह से नहीं निभा पाएंगे जिस तरह से शाहरुख खान ने निभाया था। पर शाहरुख खान ने तो फिल्म से एग्जिट कर दिया है, इसलिए ऑडियंस का कहना है कि फिल्म में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह ले सकते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी डॉन की लाइफ के साथ काफी मिलती है। रणवीर सिंह डॉन 3 फिल्म में डॉन का रोल बखूबी निभा सकते हैं।